प्यारे दर्शकों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ग्रामीण भगत, ओझा, गुनिया या जो भगत लोग हैं, ये लौंग और कपूर जलाकर कुछ गायन जैसा मंत्र पढ़ते हैं और देवी की हाजिरी लग जाती है। ये कैसे होता है, कब होता है और ये प्रतिक्रिया क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है चमत्कार को नमस्कार, उस पर जाएं देखें। लेकिन एक क्रिया आज मैं बताऊंगा आपको, इसको करना, आजमाना, फिर बताना। प्यारे दर्शकों, मेरा उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या किसी प्रकार का भ्रमित करना नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन विद्याओं को जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सनातनियों ने बताया, परखा, जांचा, वो मैं आपको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोक कल्याण की भावना से पिछले 7 वर्षों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक हमको व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं कि गुरुजी मुझे ये परेशानी है, तो मैं ध्यान रखिए व्हाट्सएप पे मैं किसी की समस्या सुनता नहीं हूँ, तो कृपया व्हाट्सएप ना करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9118036409, सुबह 9 से 5 के बीच इसमें कॉल करें या 7497988880 इस पर कॉल करें। व्हाट्सएप पे जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ या जो हमारे पुराने चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं, वहाँ जो हमसे साधना सीख रहे हैं या जो सामग्री मंगाते हैं, उनका कांटेक्ट, उनसे हमारा आदान प्रदान होता रहता मैसेज द्वारा। किसी की समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो कॉल करिए, मैं बताऊँगा निःशुल्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको देखना है कि हमारे घर के देवी देवता कौन है, किनकी कृपा मेरे ऊपर प्राप्त है। तो करना क्या है, आपको शनिवार को 21 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लेना है, ठीक है, 21 कपूर के टुकड़े लेना है। 21 कपूर टुकड़े लेने के बाद गांव के बाहर आपको जाना है, या शहर में जो लोग रहते हैं तो हर मोहल्ले का, हर कॉलोनी का एक मंदिर होता है, जो पर्व में, शादी ब्याह से लेकर कोई भी पर्व होता है, उसी मंदिर पे पूरे सब लोग आयोजन करते हैं, देवी मंदिर, वहाँ जाना है। एक एक कपूर को आपको वहाँ रखना है, ये बोलते हुए ओम पंचभूत पंचपिंड मम कुल देवी देवतभ्यो दर्शनम आगच्छम मम ग्रह, इस मंत्र को बोलते हुए सारे कपूर को रखना है और एक चक्कर उस स्थान के काटने के बाद एक कपूर को जला दें, दूसरा काटने के बाद दूसरे को जला दें, इस तरीके 21 आप कपूर जला दें। कपूर जब जलने लगे, उनमें से एक कपूर क्या रहेगा, पूरा जलेगा नहीं, बुझ जाएगा, बाकी जल जाएंगे, उस कपूर को ले आना है, लाल कपड़े में बांध कर अपनी भुजा पर बांध लेना है, लाना है और अपनी भुजा पे बांध लेना है। भुजा पे बांधने के बाद आप अपने कमरे में लेटेंगे, पीले रंग की एक चादर बिछाएंगे, आपके अगल बगल कोई नहीं रहेगा, आपके अगल बगल कोई नहीं रहेगा, इस चादर पर सिर्फ आप लेटेंगे, उत्तर मुख होके लेटेंगे, यानी उत्तर आपका क्या रहेगा, पांव जैसे उत्तर की तरफ मुंह रहेगा, ठीक है। बहुत से लोग दक्षिण मुख करके लेते हैं, दक्षिण उत्तर मुख रहेगा आपका, उत्तर मुख होके लेटना है और लेटने के बाद इसी मंत्र को आपको फिर आपको 21 बार पढ़ लेना है और चुटकी मुंह के सामने बजाना है। मुंह के पास चुटकी बजाने के बाद आप देखेंगे आपको इतनी तेज़ी से जैसे किसी ने इंजेक्शन दे रखा हो, अर्ध निद्रा की ऐसी आएगी। ऐसी स्थिति में आपके घर के जो कुल देवी देवता, जो भी आपके इष्ट होंगे बाबा दादा की तरफ से, वो आएंगे। उनको क्या पूजा चाहिए, कैसे चाहिए, अगर आप उनको पूजना चाहते हैं, ज़िंदगी भर अपना साथ रखना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेना। अगर उनको कुछ प्रश्न हो कि मैं जब याद करूं तब आ जाइया करें, आपको क्या चाहिए, मेरी हिफाजत कैसे होगी, मेरे परिवार की हिफाजत कैसे होगी, तो इसके लिए आपको सब पूछ सकते हैं। तो आपको अगर लगे कि ये देवता अच्छे हैं और इनसे लोगों का कल्याण हो सकता है, मेरा भी कल्याण हो सकता है, तो यही एक मौका रहता है जब उनसे पूर्ण विधि विधान सहित पूछ लें कि आपको कैसे मनाऊं, आपकी कैसे कृपा प्राप्त होगी, आपसे कैसे मैं निवेदन करूं कि मेरा समस्त प्रकार का कार्य हो जाया करे। वह स्वयं बताएंगे और जैसा बताएं वैसा दिमाग में रखिए, अगले दिन उठकर लिख लीजिए और उसी विधि द्वारा आप अपना प्रायोजन करिए। आप देखेंगे धीरे 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 वो देवता की कृपा इतना होगी कि आप लोगों का कल्याण करना चालू कर देंगे। आप पूछ रहे होंगे क्या गुरुजी ऐसा होता है, होता है। घर में देखिए, गांव में देखिए, बहुत से लोग अपने घर में कोठरी में देवी देवता का स्थान बनाए रहते हैं, वो उनके कुल देवता या पूजित देवता होते हैं जिससे लोगों का कल्याण करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी करिए। एक बात विशेष ध्यान रखना, हमारे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ना करें,
अपने किसी प्रकार की प्रॉब्लम पूछने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, फिर आप कमेंट में कहेंगे गुरुजी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट्सएप पर कितने लोगों को जवाब दे दूं? जब कॉल है आप कॉल करिए सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक 9118036409। दूसरा है 7497988280, कॉल करिए हम आपको बताएंगे। ये अद्भुत प्रयोग है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय माता की।